मेरे घर हर साल गणेश जी आते हैं और 10 दिन वो रहते हैं हमारे घर पे, और हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कोई अलग डेकोरेशन हो उनके लिए, ऐसी चीज़ें हों जो गणेश फेस्टिवल के बाद हम वेस्ट ना करें। तो पिछले साल हमने एक डेकोरेशन किया था विच वॉज़ कॉल्ड हाउस ऑफ नॉलेज। हमने किताबों से गणेश जी का घर बनाया था और गणेश जी विराजमान थे उनके बीच में, लेकिन इस साल हमने कुछ अलग सोचा। मेरी बेटी 5.5 साल की है, वो बहुत ही नेचर लविंग है, और उसने और मैंने मिलके काफ़ी सारे बीज इकट्ठा किए थे थ्रू आउट द ईयर। तो हमने सोचा कि अगर वो बीज बोएं और देखते हैं, वो भी एक खास डेकोरेशन हो जाएगा। और पिछले महीने पानी फाउंडेशन का अवार्ड फंक्शन जब था, तो उसके बाद पानी फाउंडेशन ने हमें काफ़ी सारे सीड्स गिफ्ट किए थे, तो मुझे वो थॉट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पानी फाउंडेशन का काम मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र का ड्रॉट मिटाने में लगा हुआ है। और अगर हम ये बीज सिर्फ देखेंगे नहीं, डेकोरेशन बीज का नहीं करेंगे और उन बीजों को बोएंगे और उससे अगर पेड़ उभर आते हैं, तो मुझे लगता है अगले 5 या कुछ सालों में महाराष्ट्र से ड्रॉट चला जाएगा। तो इस थॉट के साथ हमने शुरुआत की थी और अलग-अलग कप्स, ग्लासेस और पॉट्स इकट्ठा किए थे जिनमें हमने बीज बोए थे, और आप देख पा रहे हो ये काफ़ी सारे पौधे आए हैं। और ये मुझे भी इको फ्रेंडली थॉट लगा था, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि 10 दिनों के बाद ये जो पौधे आप देख रहे हो वो सूखेंगे नहीं, ये इनका प्रवास शुरू रहेगा, क्योंकि ये अब जाएंगे किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो भी मेरे पौधों का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना मैंने ख्याल रखा है पिछले 2 हफ्ते। देखा जाए तो इको फ्रेंडली गणपति नॉर्मली बिठाते नहीं, क्योंकि बोलते हैं सुंदर नहीं होता है या कुछ और रीजंस रहते हैं उनके। तो आप अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं, और किसने किसने माना है सेलेब्स में देखा जाए तो? सेलेब्स में भी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में भी मैं ये थॉट पहुंचाती रहती हूँ कि गणेश जी इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ विद द टाइम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं कभी मेरी मूर्ति का विसर्जन नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी परंपरा या हमारे आचार विचार हैं वो हमने तय किए हैं, हम में से कोई भी गणेश जी को मिला नहीं है ये पूछने के लिए कि गणेश जी आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपने बताया है कि विसर्जन करना ज़रूरी है, या क्या आपने बताया है कि आपको मोदक अच्छे लगते हैं। ये सब हमने तय किया है ना, तो ये जो पोएट्री हमारे मन की है ये हमने समझ लेनी चाहिए, और उसके साथ चेंजिंग टाइम्स के साथ हमने भी खुद को बदलना चाहिए और नए थॉट्स को वेलकम करना चाहिए।